धरती के भगवान ने दिया मंदिर का वरदान और फिर यहाँ बन गया अद्भुत गीता ज्ञान मंदिर। इस गीता ज्ञान मंदिर में विराजते हैं राधा कृष्ण। भदोही लोकसभा क्षेत्र के हाड़िया जैतापुर में निर्मित है गीता ज्ञान मंदिर। इस गीता ज्ञान मंदिर में दर्शन पूजन को पहुंचे हैं पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे, और उन्होंने राधे कृष्ण को नवाया है शीश। दरअसल चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता है और ये धरती का भगवान ऊपर वाले भगवान के मंदिर रहने के स्थान का निर्माण कराता है, तो ये बड़ी बात है और वो भी गीता ज्ञान मंदिर के रूप में। जैतापुर में डॉक्टर गुलाब शंकर यादव ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने सपत्नी किया। इस दौरान पहुंचे पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही उन्होंने चिकित्सक डॉक्टर गुलाब शंकर यादव के इस भागीरथ प्रयास की सराहना की है। इस दौरान डॉक्टर घनश्याम सिंह पूर्व प्रमुख या निर्मल मिश्र, संजय पांडे, डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र, बैरागी यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आज डॉक्टर गुलाब यादव जो हमारे पीएससी लीग में बहुत दिनों तक वहाँ एक संस्थाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रहे, इस समय सोनभद्र में हैं। उन्होंने अपने आवास हड़िया एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है राधा कृष्ण जी का, और उसके साथ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। 3 दिनों तक बहुत विधिवत पूजा पाठ हुआ और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। आज हवन और उसका एक भव्य कार्यक्रम था, प्रीत भोज भी था, जाने का अवसर मिला। मंदिर को देखने से लग रहा था कि जिस भक्ति भाव से उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है, उसी तरह राधा कृष्ण का सजीव मूर्ति जो भव्य दिव्य और अतीव आकर्षक, जैसा लग रहा था कि बोलने वाली मूर्ति है। हम लोगों ने वहाँ दर्शन किया और परिक्रमा पथ पर कहीं हनुमान जी का है तो कहीं राम दरबार का है, कहीं सरस्वती जी का है, कहीं शंकर जी का है। चारों कोनों पर 4 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना हुई है। मंदिर को एक दृष्टि देखने से लगता है कि अपने में अलौकिक है, अद्भुत है और अति सुंदर है। वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, ग्रामीण वातावरण और साथ साथ अन्य देवी देवताओं के साथ जो मंदिर की भव्यता है वो अपने में अलौकिक है। उनका दर्शन हुआ और दर्शन करके ऐसा लगा कि आत्म शांति भी हुई, और डॉक्टर गुलाब को, गुलाब चंद जी को हम हृदय से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि जिस भक्ति भाव से उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, उसकी भव्यता, उसकी सुंदरता, उसकी रंगता और उसकी अलौकिक छटा अपने में अद्भुत है, और साथ ही साथ राधा कृष्ण जी का मंदिर, राधा कृष्ण जी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति अपने में सजीव दिखाई पड़ रही है। हम लोगों ने और क्षेत्र के बहुत सारे संभ्रांत लोग वहाँ इकट्ठे थे, लगभग हजारों लोगों की भीड़ भी थी, और क्षेत्र के सभी बहुत सारे संभ्रांत लोग भी वहाँ दर्शन के लिए आए हुए थे। हम लोगों ने भी दर्शन किया, पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया।